भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी अनूप गुप्ता जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग धरने पर बैठ गए, सदन नहीं चल पा रहा है, किन मुद्दों को लेकर बैठे हैं? माननीय सभापति महोदय जी के द्वारा बार बार कहने के बावजूद कि सदन की कार्रवाई को व्यवस्थित तरीके से चलाया जाए, सदन में जो नियम की व्यवस्था है नियम के तहत आप अपना विषय उठाइए, आपकी बात सुनी जाएगी। माननीय सभापति महोदय के द्वारा बार बार कहने के बावजूद कि सब आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद वो सदन को बाधित करने की मानसिकता से आए थे, इसलिए उन्होंने आकर के बिल में आकर के अशोभनीय प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इस कारण से 11:30 बजे तक सदन को स्थगित किया गया। आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आजम खान पे जुल्म ज्यादती कर रही है, इसको लेकर वो धरने पे बैठे हैं, जबरदस्ती मुकदमे लगाए जा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। सदन के अंदर व्यवस्था है नियम के तहत अपनी बात उठाना, यदि आपको सदन में अवसर मिला है आने का तो आप नेता समाजवादी पार्टी के नाते से आइए, अपनी बात कहिए, विषय रखिए, तार्किक ढंग से पक्ष रखिए, लिखा पढ़ी करके अपना आइए। ऐसे इस तरह से हो हल्ला करना ये तो अनपढ़ों जैसा वातावरण है, ये कोई सदन की मर्यादा नहीं है। सदन की मर्यादा के अनुरूप अपनी बात रखना चाहिए, विपक्ष को बात रखने से कोई नहीं रोक रहा है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना अनूप गुप्ता वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और एमएलसी हैं मौजूदा, इनका यही कहना है कि सभापति बार बार कह रहे हैं कि नियम के तहत अपनी बात समाजवादी पार्टी के नेताओं को रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, वेल में धरने पर बैठे हैं। बहरहाल सदन आधे घंटे के लिए स्थगित किया गया है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज सदन में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो वेल में धरने पर बैठे हुए हैं, क्या वजह? उनके पास कोई मुद्दा नहीं, और मुद्दा विहीन जो लोग होते हैं यही करते हैं। प्रश्न पहार बहुत जनता से जुड़ा हुआ विषय होता है, और उस विषय में व्यवधान डालना ये समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। आजम खां को लेकर सर सवाल खड़े किए हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों का काम ही है कि व्यवधान डालें सदन में, और यही कारण है कि आज प्रश्नकाल में वो लोग धरने पर बैठे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।